बीजेपी और जेजेपी के बीच गठबंधन को लेकर जहां खटास की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं हरियाणा के गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन चुनाव के बाद हुआ था। विज ने कहा कि चुनाव के जिस तरह से नतीजे आए उसके बाद ही तो दोनों पार्टियों में गठबंधन हुआ, तो ये गठबंधन जनहित का गठबंधन है, दोनों पार्टियों का वैचारिक गठबंधन नहीं है। सुनिए। चुनाव से पहले तो हमारा गठबंधन नहीं था, चुनाव के बाद जिस प्रकार के नतीजे आए तो आपसी सहमति करके ही ये गठबंधन चलाया जा रहा है। अपनी बात कहने का सबको अधिकार है और ये कोई नई बात नहीं है, उनको ऐसा लगता होगा, लेकिन कुल मिला के हाईकमान जो फैसला करती है हमारे लागू यही होता है। तो अनिल विज को आपने सुना, अनिल विज साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो गठबंधन हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के बीच उनके विचारों को लेकर, उनकी स्ट्रेटजी को लेकर, उनकी पॉलिसीज को लेकर नहीं हुआ था। हाँ, दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ वोट मांगे, लेकिन जिस तरह के चुनाव परिणाम आए जहां पर कोई भी बहुमत में नहीं था, न कांग्रेस, न इनेलो, न जेजेपी, न बीजेपी, जब कोई भी दल बहुमत में नहीं था और सरकार बनाने के लिए जरूरत थी बहुमत की, तो ऐसे में हमने जनहित के लिए इस गठबंधन को बनाया। अब वैचारिक तौर पर चूंकि गठबंधन नहीं है और केवल सरकार बनाने के लिए यह गठबंधन हुआ है, तो इसमें जो आपस में सामंजस्य है, जो समन्वय है, वो अब भी केवल सरकार तक ही सीमित है। वैचारिक तौर पर लोगों के अपने अपने मतभेद हो सकते हैं, अपने अपने विचार हो सकते हैं और किस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं इसे लेकर उनकी अपनी अपनी चॉइसेस भी।